नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो आलमिक्स में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शरीर के हर प्रकार के दर्द को दूर करने वाला एक अनोखा और लाजवाब नुस्खा, जिस नुस्खे को आप घर पर आसानी से बना सकते हो और यह इतना इफेक्टिव इतना असरदार है कि मान के चलो चुटकियों में आपका दर्द गायब कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ संपूर्ण शरीर में होने वाले हर प्रकार के दर्द को आसानी से मिटा देने वाला एक अचूक रामबाण घरेलू नुस्खा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की नए नए प्राकृतिक वनस्पतियों की और देसी नुस्खों की जानकारी देते रहते हैं हर दिन रोजाना। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ शरीर के उन तमाम अंगों के दर्द को मिटाने वाला, जिसको खा करके कोई भी इसके बिना तारीफ किए नहीं रह पाता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार मैं जो आज बता रहा हूँ उस नुस्खे को बना करके ज़रूरत है तो किसी ज़रूरतमंद को, या फिर खुद को ज़रूरत है तो खुद बना करके खा करके अवश्य देखना। मैं इतना जब बोल रहा हूँ तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ बात होगी और इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम किए आपको बता देते हैं उस नुस्खे को और उसके बनाने के जो तरीके हैं उसको, बहुत ही आसान है। और यह नुस्खा कौन कौन खा सकता है मैं उसे भी बता देता हूँ। जिनके शरीर में वात प्रकोपित हो, यानी जिनके शरीर में गैस बनता हो, क्योंकि गैस को ही आयुर्वेद में वात कहा जाता है, तो जिनका शरीर का प्रकृति वात प्रकृति का हो वे लोग इस चूर्ण को खा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को अक्सर शरीर के हर जगह में कभी न कभी दर्द होता रहता है। मान के चलो आपको शरीर में कहीं अचानक ठोकर लगने पर झुनझुनाहट पैदा होता है, आपके जोड़ जोड़ में कट कट की आवाज़ आने लगती है, आपके पीठ में, कंधे में, कमर में कभी कभी अचानक से दर्द उठने लगता है, आपकी छाती में, पसलियों में अचानक से चुभन जैसी दर्द होती है, या फिर आपका अचानक से कभी सर घूमने वाली समस्या बन जाती है, या फिर अचानक से सर चकराने जैसी कोई मूवमेंट होने लगता है, कोहनियों में, हाथ पैर के जोड़ों में, कमर में, कंधों में, गर्दन में, कहीं भी जोड़ में, चाहे थोड़ी समय के लिए हो या फिर बहुत अचानक से उठ करके गंभीर स्थिति वाली दर्द हो, किसी भी प्रकार के शरीर के हर प्रकार के दर्द को यह नुस्खा बहुत ही आसानी से समूल नष्ट कर देता है। अगर लगातार सेवन किया जाए तो जड़ सहित नष्ट कर देता है। अगर आपका मान के चलो कमर दर्द स्टार्ट हो रहा है या फिर आपके हाथ पैर जांग कहीं भी दर्द होता हो कभी कभी, तो आपको भविष्य में वात रोग भयानक स्थिति पकड़ने वाली है अगर आप लापरवाह करेंगे तो। अगर आपके कमर में भी कभी कभी दर्द होता है बिना वजह या फिर थोड़ी बहुत काम करने के बाद, तो भी आप वात रोग से पीड़ित बाद में हो सकते हैं। इसलिए आज से ही सतर्क और सावधान हो जाइए और जो मैं बता रहा हूँ इस घरेलू नुस्खे को आजमा लीजिए और इसका प्रयोग करके जो भी रोग आपके शरीर में उत्पन्न कर रहा है बात वाली, जो बात का स्टार्टिंग होता है घुटनों के दर्द का, उसे आप ख़त्म कीजिए शुरुआत में ही, तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा और जीवन हमेशा सुखमय बीतेगा। जो बात प्रकृति के लोग होते हैं उनका जब स्थिति ख़राब हो जाता है तो आप लोग में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उनका जीवन बहुत ही दुखी पूर्वक बीतता है और बहुत ही कष्टदायक होता है और उनका इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता और वे लोग पूरी ज़िंदगी इसी तरह से दर्द में कभी ज़्यादा तो कभी कम तड़पते रहते हैं। अगर कुछ अच्छा इलाज मिल भी जाए तो बहुत लंबे समय तक नियम पालन करके लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत कष्टपूर्ण जीवन भरा हो जाता है। तो आज मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ दोस्तों, यह बहुत ही इफेक्टिव और कारगर है। इसे मैंने कई लोगों को शुरू में आजमाने के लिए बोला तो उनका जो स्टार्ट हो रहा था कमर दर्द, हाथ पैर का दर्द, वह दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो गया और वे लोग पहले जैसे अच्छे हेल्दी हो गए और उनका जो
दर्द उठने की समस्या थी वह भी बंद हो गया। तो शरीर के मान के चलो हर प्रकार के दर्द को यह मिटाता है, और अगर शुरुआत में इसको लिया जाए तो बाद में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस नुस्खे को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। आसानी से आपको जो घटक द्रव्य है वह आसानी से मिल जाएगा आपके घर में, आपके आसपास की दुकान में, दवाई जड़ी बूटी की दुकान में, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हो। आपको चाहिए इस नुस्खे को बनाने के लिए मेथी का दाना 100 ग्राम और आपको चाहिए सौंठ 100 ग्राम और अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम या अश्वगंधा की जड़ी 100 ग्राम और आपको चाहिए 100 ग्राम हल्दी। इसमें आप खड़ी हल्दी ले सकते हैं और अश्वगंधा की जड़ी दुकान से खरीद सकते हैं और मेथी दाना भी खरीद सकते हैं दुकान से, दवाई दुकान से, और सौंठ भी खरीद सकते हैं अच्छी वाली। अब इन चारों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेके एक साथ इमाम दस्ते में रख कर के कूट लीजिए अच्छे से। हल्दी को पिसी हुई नहीं लेना है, खड़ी वाली जो हल्दी आती है उसी को लेना है क्योंकि पिसी हुई हल्दी में मिलावट होती है। तो इन चारों चीज़ों को इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद उसका बारीक पाउडर कर लीजिए और उसको किसी अच्छे से छलनी की मदद से छान लीजिए उसके बारीक चूर्ण को, और उसके बाद किसी डिब्बे में रख लीजिए। अब इन सभी के चूर्ण को आपको डिब्बे में रख के प्रतिदिन आपको 5-10 ग्राम सुबह शाम भोजन के बाद एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। लगातार 1-1.5 महीना इस्तेमाल करने पर ही आपका जो दर्द कहीं से भी उठने की समस्या, बनने की समस्या पैदा हो रही है वह निश्चित रूप से समूल नष्ट हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। तो देखिए शुरू में जब दर्द होता है तो 1-1.5 माह का समय लगता है इस तरह के घरेलू देसी नुस्खे से जड़ से ख़त्म करने पर। अगर यही समस्या आपको 1-2 साल पुराना हो जाए या फिर 5-6 साल पुराना हो जाए तो फिर आपको कितनी दिन औषधि लेना पड़ सकता है। तो आप आज से ही सतर्क हो जाइए अगर आपके पास समय है तो, और यदि आप बहुत सालों तक पीड़ित हैं इस तकलीफ़ से, इस दर्द से, तो आपके लिए तो निकलना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए हम अलग से कमेंट करोगे तो और वीडियो बना देंगे, जो कई सालों से पड़े हैं बिस्तर में उनकी तकलीफ़ों को दूर करने वाला अलग से वीडियो बना देंगे अगर कमेंट करोगे तो। फिलहाल यह जो तकलीफ़ शुरू होता है, बात का शुरुआती दौर होता है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही घरेलू और ज़बरदस्त नुस्खा है। तो आप इसे आजमा करके देख लीजिए और खुश रहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय क्षेत्र।